Hi everyone, hope you're doing good. In life, we always value bigger decisions, massive actions, and bigger results. But this perspective changed when I read the book Atomic Habits. इस बुक में ऑथर ये बताते हैं कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारी बड़ी बड़ी चेंजेस ला सकते हैं अगर हम छोटे छोटे डिसीजंस लेना शुरू करें और उनको लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यूसली करते रहें। सो इन टुडेज़ वीडियो आई विल शेयर 5 की पॉइंट्स फ्रॉम दिस बुक दैट यू कैन अप्लाई टू ब्रेक बैड हैबिट्स एंड बिल्ड गुड हैबिट्स इन योर लाइफ। सो पहला पॉइंट जो ऑथर बताते हैं वो इम्प्रूविंग 1% एवरी डे। इसमें ऑथर कहते हैं कि द सेम वे दैट मनी मल्टीप्लाइज थ्रू कंपाउंड इंटरेस्ट द इफेक्ट्स ऑफ योर हैबिट्स मल्टीप्लाई एज यू रिपीट देम ओवर द टाइम। इसमें ऑथर ये कहते हैं कि जिस तरह हमारे पैसे अकाउंट में बढ़ जाते हैं उसी तरह अगर हम किसी हैबिट को डेली बेस पे इम्प्रूव करते जाए तो ओवर द टाइम उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर मुझे 2008 का टाइम याद आ गया जब मेरे वालिद साहब मुझे दो चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा एडवाइस करते थे। पहला, हर दिन इंग्लिश डिक्शनरी का एक इंग्लिश वर्ड सीखना, और दूसरा एक रिफ्लेक्टिव जर्नल अपने पास रखना जिसमें आप डेली का जो भी आपने अचीवमेंट किया, डेली आपके साथ क्या क्या हो गया वो आप इंग्लिश में लिखते जाओ। सो इसको समझने के लिए एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं कि अगर आप दिन में 1% इम्प्रूव करते हैं तो साल के एंड में आप 37 टाइम्स इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर इसके ऑपोजिट में अगर आप दिन में 1% डिक्लाइन होते हैं तो साल के एंड में आप ऑलमोस्ट जीरो के करीब पहुंच जाते हैं। और इमेजिन करें अगर मैं 2008 से यही इम्प्रूवमेंट डेली कर लेता तो मैं आज इतना गुना इम्प्रूव कर लेता, मैं गिन भी नहीं सकता इतने सारे जीरो थे यहाँ पे। तो देट इज़ द पावर ऑफ 1% इम्प्रूविंग डेली। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने हर दिन बुक रीड करना शुरू किया और फिर आई यूज़ टू डू समथिंग प्रोडक्टिव, कुछ वीडियो ऐसी देख लेता हूँ जो कि प्रोडक्टिव हो, कुछ स्किल के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ तो मैं कोई थंबनेल डिज़ाइन करना या फिर वीडियो एडिट करना इस तरह की कोई चीज़ डेली सीख लेता हूँ और जिस वजह से मेरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आती रहती है। आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो यह है वो रिफ्लेक्टिव जर्नल जिसमें मैं अपनी डेली का काम लिख लेता हूँ। आई कांट शो इट टू यू। तो सेकंड उस पॉइंट को मैं ऐसे देखता हूँ कि माई अजम्पशन वर्सेस रियलिटी। पहले मुझे ये लगता था कि जब हम कोई मेहनत करते हैं किसी भी काम में, कोई अपना एफर्ट डालते हैं तो वो जो इफेक्ट होता है वो लीनियर होता है। मुझे लगता था कि बस मैं काम कर रहा हूँ, सक्सेस मिलना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है, इस ऑथर ने जब ये बात करी कि हम कोई भी काम जब शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में एक डाउनफॉल आता है जिसमें हमें लगता है कि अरे कुछ नहीं हो रहा, हम बहुत ही डीमोटिवेटेड हो जाते हैं उस टाइम, बहुत ही डिस्करेज्ड हो जाते हैं। और उस चीज़ को इस ऑथर ने नाम दिया है वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। मतलब इनिशियल जो लीनियर आपको समझ में आता है उसके बरक्स एक्चुअली क्या होता है, फॉल डाउन होता है, ग्राफ फॉल डाउन होता है और फिर एक पॉइंट आता है जिसके बाद से आपको सडन ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और वहाँ तक जो भी आपने एफर्ट्स लगाई थी इनिशियली आपको इनविजिबल होती है, आपको दिखता नहीं है उसका इम्पैक्ट। जिस तरह आप पानी को गर्म कर रहे होते हैं तो इनिशियली कोई भी इफेक्ट नहीं होता वहाँ पे, ठीक है, तो बट एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद से आपको पानी गर्म फील होता है। और इस चीज़ को सम अप करने के लिए ऑथर ने बहुत ज़बरदस्त बात की, पीपल मेक अ फ्यू स्मॉल चेंजेस, फेल टू सी अ टेंजिबल रिजल्ट एंड डिसाइड टू स्टॉप। उस जगह पे जिसने स्टॉप किया वो फेल हो गया, अगर जिसने कंटिन्यूसली मेहनत की, कंटिन्यूसली इम्प्रूव किया पैशन के साथ तो आगे बढ़ के वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो जो थर्ड पॉइंट है वो है 3 layers ऑफ बिहेवियर चेंज। पहला है आउटकम, दूसरा है प्रोग्रेस, तीसरा है आइडेंटिटी। और इनके बेसिस पे 2 approaches होते हैं, एक आउटकम बेस्ड अप्रोच, दूसरा आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच। आउटकम बेस्ड अप्रोच ये होता है, लेट्स सपोज कि आप एक सिगरेट पीने वाले हो एंड यू वांट टू क्विट स्मोकिंग। अब मैं आपके पास आता हूँ, आप कहता हूँ कि आप सिगरेट पियोगे एंड यू आर लाइक मैं सिगरेट नहीं पीता, ठीक है, आप ऐसा ना समझो कि मुझे कोई चर्च से समझ रहे हो, नहीं ऐसी बातें हैं, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। मैं तो कहता हूँ यार सिगरेट पिए एंड यू आर लाइक कि आई एम ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आउटकम बेस्ड अप्रोच अपना रहे हो कि आप खुद को अपनी जो आइडेंटिटी वो स्टिल एज अ स्मोकर शो कर रहे हो। आप कह रहे हो कि आई एम ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग, मतलब आप स्मोकर हो तभी आप क्विट करना चाह रहे हो। इंस्टेड अगर आपको जो आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच रहा वो बहुत ही प्रैक्टिकल होता है, उसमें हम चेंज को ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो होता है कि आई एम नॉट अ स्मोकर, आई डोंट स्मोक। फिर मैंने ये क्या शुरू किया पता है, उससे पहले मैं कहता था आई वॉन्ट टू बिकम अ यूट्यूबर, नाउ आई से आई एम अ यूट्यूबर। सो मैंने अपनी आइडेंटिटी चेंज की, दैट इज द प्रैक्टिकल चेंज इन मी आफ्टर दिस बुक। तो जब हम इस तरह की एसोसिएशन खुद के साथ जोड़ देते हैं, जब हम अपनी आइडेंटिटी को इस तरह बना लेते हैं तो हम ऑटोमेटिकली वो बन जाते हैं। इसीलिए कभी भी ये नहीं कहना कि आई वॉन्ट टू रीड बुक्स, यू शुड से आई एम अ रीडर। कभी भी कहीं पर भी कुछ भी नजर आएगा आप रीड करना शुरू कर दोगे, खासकर पब्लिक वॉशरूम्स में सब कुछ रीड करता है, टॉयलेट पे बैठे इधर उधर दीवारें पढ़ रहे, ये चोर है वो चोर है, कुछ भी, किसी ने अपना नंबर लिखा होता है, कॉल मी,
अरे भाई कोई नहीं कॉल करने वाला, फजूल नंबर क्यों लिखता हूँ। बट मुझे ये बात समझ नहीं आती कि वहाँ पे लोग मार्कर लेके क्यों जाते हैं, मतलब वॉशरूम में डेलिबरेटली कोई ये करता है मार्कर लेके जाना है वॉशरूम में लिखना है, या फिर वो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं उनको टाइम मिलता है और वो लिख लेते हैं। एनी वेज बातों से बातें बढ़ती है ना आगे। तो फोर्थ जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो मज़ा है वो सारे गलत कामों में है, सारे गंदे कामों में मज़ा है, अच्छे कामों में मज़ा नहीं है, तभी तो हम गलत काम कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया यूज़ करना आसान है, हम वो कर लेते हैं इजीली और उसमें मज़ा है इसलिए हम यूज़ करते हैं। टिकटॉक कुछ नहीं करना, बस स्क्रॉल करते हैं, जूट से भी हंसना है, ठीक है। फेसबुक पे कोई कमेंट आए, जूट से भी रिएक्ट करना है, इधर मुंह लटका हुआ है उधर हा हा कर रहे हैं। सो बहुत सारी हमारी लाइफ में मसले हैं, ये अलग बात है, बट जो कहने का मकसद है वो ये है कि वी यूज़ फेसबुक बिकॉज दैट इज़ ईजी टू यूज़ एंड वी फील थ्रिल्ड, ठीक है, हमें थ्रिल चाहिए। इमेजिन करें कि आप इसी चीज़ को अपनी गुड हैबिट्स में लाए, मतलब आप कुछ बुक रीड कर रहे हो और आपको वो हैबिट अच्छी लग रही है, वो हैबिट ईजी लग रही है। इसके लिए क्या होता है कि हमारी लाइफ में क्यूज होते हैं, क्यूज़ मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को करने के ट्रिगरिंग पॉइंट्स या ट्रिगरिंग चीज़ें होती हैं। जिस तरह आप बाजार जाते हो, आपको केक नज़र आते हैं सामने तो आप केक खरीद लेते हो, तो यहाँ पर जो आपका इन्वायरमेंट है वो बहुत मैटर करता है। तो लेट्स सपोज ये होता है कि कभी और क्या होता है कि हम सब फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि बहुत सारे सिगरेट पीने वाले होते हैं, तो आप भी ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं बन जाते हो। इससे पहले मेरी अजम्पशन ये थी कि मुझे ये लगता था कि सोसाइटी में जो भी हो रहा है या इर्द गिर्द के लोग जिस तरह का भी सोचे हमें उसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये बुक रीड करने के बाद मुझे समझ आया कि हमारे इर्द गिर्द जिस टाइप के लोग होते हैं हमारी सोच भी आज नहीं तो कल उन जैसी बन जाती है। तो इसका कहने का मकसद ये है कि आपका जो इन्वायरमेंट होगा वो आपकी सक्सेस डिटरमिन कर सकता है। इस बुक में एक और बहुत ज़बरदस्त पॉइंट मेंशन किया था कि एक कैफेटेरिया में रिसर्च की गई, वहाँ पे पानी की बोतलें ज़्यादा रखी गई, हर कोने में पानी की कैंस रखे गए, तो एंड में ये देखा गया कि पानी की जो सेल था वो 25% इंक्रीज़ हो चुका था, जबकि जो सोडा के सेल्स थे वो 12% डिक्रीज हो चुके थे। तो इससे भी ये समझ आता है कि आपका जो इन्वायरमेंट है, आपके इर्द गिर्द के जितना जिस तरह की चीज़ें हैं वो ये डिटर्मिन करती है कि आप कैसी हैबिट्स अपनाओगे। उसको करने के लिए मैंने एक शेल्फ खरीद लिया अपने लिए और उस शेल्फ में मैंने बुक्स रखी और वो बुक्स मेरे वर्किंग टेबल के बिल्कुल ही साइड में है, तो जब भी इधर उधर मैं देखता हूँ तो मेरी नज़र उन किताबों पर पड़ती है और वो नज़र ही मुझे बहुत चेंज कर देती है, ठीक है। तो नज़र पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दिखता है वो आप करते हो, तो इसलिए मैंने बुक्स अपने पास रख ली और शेल्फ में बुक्स रखी टेबल के पास, और जब भी मेरा मन करता है मैं बुक उठा के रीड कर लेता हूँ। उसके अलावा मैंने ये किया कि जो भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के अलावा, सबका जो नोटिफिकेशन है वो ऑफ है, तो मैं जब भी यूज़ करता हूँ वो अपनी मर्ज़ी से यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ कोई नोटिफिकेशन आके मुझे मजबूरन वहाँ नहीं ले जाता, नेवर। तो ये चीज़ें आपको इफेक्टिव बना सकती है, ये चीज़ आपकी हैबिट्स बिल्ड कर सकती है, इसी को एटॉमिक हैबिट कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी चेंजेस इज़ नॉट नेसेसरी, स्मॉलर चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो जो भी हैबिट्स आपको अच्छी लगती है और उनको आप अगर और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम उनको सप्लीमेंट कर सकते हैं किसी ऐसे हैबिट से। लेट सपोज आपको नेटफ्लिक्स पसंद है और बुक रीडिंग नहीं पसंद और आपने ये चाहते हो कि मैं बुक रीडिंग शुरू कर दूँ, तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि रिवार्ड का कॉन्सेप्ट अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। जिस तरह कि आप ये कहो कि अगर मैंने एक घंटा नेटफ्लिक्स देना है तो मुझे 10 मिनट बुक रीड करना होगा, 10 मिनट जब आप बुक रीड करोगे और उसके बाद नेटफ्लिक्स देखोगे तो आपको मज़ा और ज़्यादा आएगा। मतलब जो काम आप करना चाहते हो और उसमें आपको कोई मज़ा नहीं आता, तो आप कुछ ऐसे तरीके ढूंढ सकते हो अपने लेवल पे जो आपके उस काम को इंटरेस्टिंग बनाए। तो मैंने बताई 5 थी, बट नाउ आई रियलाइज्ड कि वो पॉइंट्स 5 नहीं 4 थी, तो ये 4 भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इनमें से एक पॉइंट पर अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो आज नहीं तो कल, आप एक सक्सेसफुल बंदे बन सकते हो, अब बनोगे, आई बिलीव इन यू। बाय बाय, टेक केयर।